गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। अगर मैं कम्यूटेटिव की लॉ की बात करता हूँ तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर एंटी कम्यूटेटिव की बात करें तो नॉट इक्वल टू हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज जो ए क्रॉस बी है वो ए बी साइन थीटा के होता है और एन यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन के लिए लगा देते हैं, लेकिन बी क्रॉस ए बराबर होता है ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, आप देख लीजिए ये एक ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई दे रही है जो कि राइट साइड को शो करने की कोशिश कर रहा है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। लेकिन इसी में हमारे पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये इसके किस में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। आप देख रहे हो ये इस तरह से मूव कर रहा है और वो इस तरह से मूव कर रहा है, मीन्स दैट ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा को होगा, लेकिन बी क्रॉस ए हमारे पास क्या होगा, माइनस ए बी साइन थीटा के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके होगा, माइनस के बी क्रॉस ए। दिस इज द एंटी कम्यूटेटिव लॉ, इसे हम एंटी कम्यूटेटिव लॉ। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने वेक्टर प्रोडक्ट को एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करने की कोशिश किया है। जैसे कि मैंने कहा कि ए वेक्टर हमारे पास जो है वो ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के हैं। आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ए एक्स बी वाई ए जेड, इस तरह एक ए वेक्टर के हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एग्जैक्टली बी के दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा हमारे पास में, तो ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश किए तो ए वेक्टर तो ये हो गया हमारे पास और बी वेक्टर हमारे पास ये हो गया। तो ए वेक्टर के इस एक कंपोनेंट से इस बाकी सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे इस वाले से सारे कंप्लीट मल्टीप्लाई और इस वाले से ये ए जेड के से ये पूरा कंपोनेंट डिवाइड करना होगा। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता था, जे डॉट जे वन होता था, के डॉट के वन होता था, लेकिन इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के हमारे पास जीरो होगा। तो इन सभी कंपोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसमें एक प्रॉब्लम्स आएगी कि सर आई क्रॉस आई जीरो हो गया, जे क्रॉस जे जीरो हो गया, के क्रॉस के जीरो हो गया, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, इस तरह से हमारे दिमाग में था। तो इन चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से एक टॉपिक तैयार किया है। तो आपको क्या करना है, आई जे के इस तरह से एक बार डायरेक्शन को शो किया मैंने, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया एक तरह से। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया है तो आई क्रॉस जे, जब मैं आई और जे की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो किसके बराबर होगा, के वेक्टर के, और जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करूँगा तो किसके होगा, आई के, और आई के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के। लेकिन अगर मैं इसी को अपोजिट कर देता हूँ, मीन्स दैट एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के, जहाँ आई क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के बराबर होता था, वहाँ पे आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, माइनस जे। आई क्रॉस के किसके होगा, माइनस के जे। और जिस तरह से के क्रॉस जे, जैसे जे क्रॉस के आई के बराबर होता था, ऐसे यहाँ के क्रॉस के किसके बराबर होगा, के क्रॉस जे बराबर होगा, माइनस आई के। और यहाँ पे आई क्रॉस जे के बराबर होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के इक्वल। तो इस तरह से आपको हम क्रॉस प्रोडक्ट को, ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर और कंपोनेंट्स में डिवाइड मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास एक टर्म आ चुकी है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो जे वाली टर्म्स देखोगे इसमें से प्लस जे कॉमन लेना था तब जाके ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप माइनस जे लेते हो तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्लस जे लगाना पड़ेगा तब जाके टर्म्स आएगी। और माइनस जे के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम सिंपली फॉर्म इस तरह, क्योंकि अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी न्यूमेरिकल जो हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सॉल्व ट्रिक हमने अपनाया कि आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जे। तो हमने आई को लेना है तो ये वाली टर्म छोड़ देना, ये वाली टर्म छोड़ देना, तो बच क्या गया, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। उसके बाद माइनस जे को लेना है, ये वाली टर्म छोड़ देनी, ये वाली टर्म छोड़ देनी, तो क्या बच गया, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। और जब प्लस के वाली टर्म लेना है तो हम क्या करेंगे कि ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब आप सोच सकते हो कि सर आपने यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे लिया, ये माइनस, हम यहाँ पे प्लस का भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई होगी वो अपोजिट हो जाएगी। कैसे, जैसे आई की मल्टीप्लाई किया तो ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई की, माइनस में क्या हो गया, ए जेड बी वाई, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ए वाई बी जेड माइनस के ए जेड बी वाई, जो हमने मल्टीप्लाई किया। अब माइनस जे लेना है तो क्या हो जाए, ए एक्स बी जेड, माइनस जे को
माइनस जे लिया तो क्या हो गया, ए एक्स बी जेड माइनस के ए जेड बी एक्स। लेकिन जब प्लस जे लेना है, अगर आप प्लस जे लेते हो, अगर मैंने प्लस जे लेना होता तो क्या होता, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस में ए एक्स बी जेड। जैसे ये अगर प्लस जे लेते तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, लेकिन अगर माइनस लिया है तो उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे प्लस के लिया है तो प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के ब्याह पर हमने एक न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश किया है, किस तरह से कि एक ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आई क्रॉस जे। तो देखिए आई वेक्टर लिया, ये वाला टर्म लिया, तो थ्री से थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन हो गया, नाइन से वन की मल्टी माइनस नाइन, लेकिन ये प्लस करना हो गया। जे की ऐसे इस तरह से जे का करना है, इस तरह से के का करना है, तो देखा कि इक्वल टू किसके आ रहा है, जीरो के। और जब इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि ए बी साइन डेटा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ए किसके पैरेलल में है, बी के पैरेलल में है। अगर यहाँ पे 90 वैल्यू आ जाती तो ए परपेंडिकुलर हो जाता बी के, ए पैरेलल है बी के। ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना, अगर ए वेक्टर दो दो टू दे रखा है और बी वेक्टर हमारे पास फाइव दे रखा है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, एट। तो देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में ए डॉट बी का स्क्वेयर हो जाएगा। इन वैल्यूज को पुट किया तो ए डॉट बी का वेक्टर कितना आ रहा है हमारे पास, सिक्स वैल्यू। तो आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है आपको, इस इनके ब्याह पर मैंने सिक्स क्वेश्चन का एक असाइनमेंट तैयार किया है, आपको अच्छी तरह से करना है। अगर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आती है डियर स्टूडेंट, तो आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ओके, थैंक यू सो मच।